अपने होठों की ताजगी को तुम्हारे होठों के नाम लिख दूं। श्री रमेश कंवल साहब की ये गजल है। मैं हूं डॉक्टर कमलेश हरिपुरी। मैं अपने होठों की ताजगी को तुम्हारे होठों के नाम लिख दो, तुम्हारे होठों के नाम लिख दो। हिना से रोशन हथेलियों पर, हिना से रोशन हथेलियों पर नजर के दिलकश पयाम लिख दूं। मैं अपने होठों की ताजगी को तुम्हारे होठों के नाम लिख दूं। मैं अपने होठों की ताजगी को तुम्हारे होठों के नाम लिख दूं। अगर इजाजत हो जान मन तो, अगर इजाजत हो जान मन तो किताबे दिल के हर एक बरक पर, अगर इजाजत हो जान मन तो किताबे दिल के हर एक बरक पर मैं सुबह काशी की रोशनी में अवध की मस्तानी शाम लिख दूं। मैं अपने होठों की ताजगी को तुम्हारे होठों के नाम लिख दूं। मैं अपने होठों की ताजगी को तुम्हारे होठों के नाम लिख दूं। बदन पे सावन की है इबारत, नजर में दोनों की एक चाहत। बदन पे सावन की है इबारत, नजर में दोनों की एक चाहत। मेरे लबों को जो हो इजाजत, मेरे लबों को जो हो इजाजत, वफा का पहला सलाम लिख दूं। मैं अपने होठों की ताजगी को तुम्हारे होठों के नाम लिख दूं। मैं अपने होठों की ताजगी को तुम्हारे होठों के नाम लिख दूं। डिलीट कर दूंगा उसके गम को, डिलीट कर दूंगा उसके गम को मैं दिल के अब लैपटॉप से ही। डिलीट कर दूंगा उसके गम को मैं दिल के अब लैपटॉप से ही। खुशी के जितने मिले हैं डाटा, खुशी के जितने मिले हैं डाटा,
उन्हें मैं दिल भर के नाम लिख दूं, मैं अपने होठों की ताजगी को तुम्हारे होठों के नाम लिख दूं, मैं अपने होठों की ताजगी को तुम्हारे होठों के नाम लिख दूं। मुकदमा जो चला बहुत दिन, मुकदमा जो चला बहुत दिन, लो आ गया उसका फैसला भी। मुकदमा जो चला बहुत दिन, लो आ गया उसका फैसला भी। कोवल में चाहूं गले लगा कर, गले लगा कर, गले लगा कर, कोवल जो चाहूं गले लगा कर, अदू के दिल में भी राम लिख दूं, मैं अपने होठों की ताजगी को तुम्हारे होठों के नाम लिख दूं, मैं अपने होठों की ताजगी को तुम्हारे होठों के नाम लिख दूं। हिना से रोशन हथेलियों पर, हिना से रोशन हथेलियों पर, नजर के दिलकश पयाम लिख दूं, मैं अपने होठों की ताजगी को तुम्हारे होठों के नाम लिख दूं, मैं अपने होठों की ताजगी को तुम्हारे होठों के नाम लिख दूं, तुम्हारे होठों के नाम लिख दूं, तुम्हारे होठों के नाम लिख दूं। गजल कैसी लगी श्री रमेश कमल साहब की? मैं हूं डॉक्टर कमलेश हरिपुरी और तबले पे संगत कर रहे हैं साईश उपाध्याय। ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। शुक्रिया। थैंक यू सो मच।